औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, अज दी साडी वीडियो दा टॉपिक आ क्लास बीए पंजाबी मनीर नियाजी हुरां दी नज़म रीड आउट करांगे कल दी गल। ते सब तो पहलां इहदे औखे लफ्ज़ां दे मानी फिर आसान मतलब ते आपां तशरीह करांगे। कल दी गल, कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल एक गुजरे वेले दी, वेला वक्त ऐ पिंड दे पिपला हेठां छोटी ईद दे मेले दी, मैं जेड़ा मशहूर हाँ इन्ना दिल दे भेद लकावन ली भेद राज, गम दी तिखी चिक नू घट के तिखी तेज उपरों हसदा जामन विच, उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नू, जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके नू। आसान मतलब हुण असीं इहदा देखदे हां कि इस शेर दा इस बंद दा की। कल दी गल है कि मैं बैठा गुजरे वेले दी एक गल बारे सोच रहा सां, मैनू अपने पिंड विच पिपल दे रुख थले लगन वाला निक्की ईद दा मेला चेते आया, मेले नाल तलक रखन वालियां कई यादां आईयां, उस वेले मैनू ख्याल आया कि हुण मैं अपने गमां नू लुकाउंदा माहर हो गया, मैं अपने अंदर दे गम नू छुपा के उत्तों उत्तों हसदा जांदा हाँ, पर कल बह के पुराने वेले दी याद ताजी कर रहा सां कि मैनू एक पुरानी गल याद आ गई, ये याद इन्नी जज्बाती करन वाली सी कि मैं जोर ला के भी अपने दिल तो निकलन वाली हानू नहीं सी डक सकिया। ते हुण आपां इहदी तशरीह देखांगे कि इहदी तशरीह किद्दां। अक्सर सियाने आखदे ने कि माजी हमेशा ही बड़ा सुहाना ते मन वाला हुंदा है, जमाना हाल दियां ओकड़ां विच जिंदगी गुजारदे होया जदों असीं अपने गुजरा वेला याद करदे हाँ ते अज दियां सारियां मुश्किलां जिहड़ियां सानूं दरपेश हुंदियां भुल जांदियां ने, ते बंदा सहाने माजी विच गवाच जांदा है। इहदे नाल नाल ये गल भी दुरुस्त है कि गए गुजरे वेले दियां बाद यादां बड़ियां तकलीफ देण वालियां हुंदियां ने। इंसान दा बचपन बड़ा मासूम जिहा हुंदा, पर ज्यों ज्यों जिवें जिवें वह वड्डा हो जाता है तो होशियार ते चलाक हुंदा जांदा, इहदे नाल ही वह अपने जज्बात का इजहार भी वक्रे ढंग नाल करन लग पैंदा है। वड्डी उम्र के लोग अपने जज्बात का इजहार बालां वांगू नहीं कर सकते क्योंकि रोना धोना बालों का काम ही समझा जाता है, तो पक्की उम्र के लोगों नूं अपने जज्बात के इजहार विच तकल्लफ तो कम लेना पैंदा है। खासकर मर्दां नूं रोना नहीं चाहीदा, इहदे बावजूद बाद वारी बंदा अपने दिल दा गुबार कढ़न लई रोण नूं मजबूर हो जांदा है। मनीर नियाजी दी नज़म कल दी गल विच कुछ इंज दी सूरत हाल बनी हुई है। शायर अपने माजी बारे सोच रहा है, एक तो बाद एक वाकया याद आउंदा है कि ये सारे वाकया दिलचस्प भी ने, खुश करन वाले भी ते अदास करन वाले भी। शायद सोचता है कि मेरा बचपन ते बेफिक्री दा जमाना कित्थे गया, ये सोच उन्हूं बेचैन करदी है ते वह कोशिश दे बावजूद अपने मन तो निकलन वाली आह नू रोक नहीं सकता। नज़म कल दी गल विच इस सोच दा सानू दिखाया गया है कि बंदा बाहरों भावें किन्ना ही पक्का ते मजबूत क्यों ना होवे अंदरों कच्चा ही हुंदा है। बड़े पक्के ते पेढे बंदे भी अंदरों अपने पेढे नहीं हुंदे, सहाने माजी दी याद हर बंदे नूं उदास ते दुखी नहीं करदी सगों बेचैन भी कर दिंदी है, ते कदी ना कदी उहदे मन विचों माजी दियां गल्लां याद करके आह निकल जांदी है। ते इन्नी कदी तशरीह काफ़ी आ। नज़म
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਿਆ, ਔਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੀਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇ।